स्टूडेंट्स, ओवर टूडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच इज ह्यूज इन साइज विद ए ग्रेट स्पीड एंड विच इज यूज इन साइंटिफिक एक्टिविटीज या साइंटिफिक वर्क. साइंटिफिक वर्क. नाउ फंक्शंस ऑफ सुपर कंप्यूटर. फंक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर आर फर्स्ट वन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. डिफेंस. सेकेंड वन इज हेल्पिंग इन वेदर रिसर्च. हेल्पिंग इन वेदर रिसर्च. थर्ड वन इज हेल्पिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स. फोर्थ वन इज हेल्पिंग इन मेकिंग फिल्म. फिफ्थ वन इज मेकिंग वेरियस रिसर्च पॉसिबल. मेकिंग वेरियस रिसर्च रिसर्च इज पॉसिबल. एडवांटेज ऑफ सुपर कंप्यूटर. एडवांटेज ऑफ सुपर कंप्यूटर. एडवांटेजेज आर फर्स्ट वन इज कंप्लीटिंग quickly the most complex scientific activities. Second one is performing different activities quickly. Now disadvantage or limitation of disadvantage or limitation of supercomputer are first one is these computer are meant only for few special purpose. Second one is they cannot be carried from one place to another. They are not portable. Third one is size is large. Fourth one is they are very costly. तो सुपर कंप्यूटर बेसिकली हमारा होता क्या है कि हमारे सुपर कंप्यूटर के जो साइज होता है वो लार्ज होता है, उसकी हाई स्पीड होती है और वो हमारे स्पेसिफिकली जो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन है उनमें, जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें यूज होता है. फिर आता है हमारा फंक्शंस ऑफ सुपर कंप्यूटर. वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे डिफेंस में है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है, वेदर रिसर्च में यूज होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन उनमें हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, मेकिंग फिल्म में सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज में रिसर्च हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं. और एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है कि वो कंप्लीट मोस्ट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हमारी साइंटिफिक एक्टिविटीज है उनको बहुत ईजिली बहुत जल्दी उनको क्विकली उनको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है. सेकंड है हमारा कि हमारे डिफरेंट हमारे एक्टिविटीज़ है जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमारे बहुत लेस टाइम में क्या करता है, उसको परफॉर्म कर देता है. डिसएडवांटेज क्या है कि वो हमारे कुछ फ्यू स्पेशल पर्पज को ही क्या करता है, फुलफिल करता है. लेकिन वो एक सेकंड उसकी क्या है कि वो पोर्टेबल नहीं है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है. साइज उसका लार्ज होता है, कॉस्ट उसकी क्या होती है, हाई होती है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज मेन फ्रेम. सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि हमारा ये वो कंप्यूटर होता है जो डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज. इन लार्ज नंबर्स अलोंग विद हैंडलिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस
एंड इन्फॉर्मेशन। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हमारा किसके लिए डेवलप हुआ था, डिजाइन किया गया था विद पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम डेटा को क्या करते हैं, उसके साथ में हैंडल करते हैं, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को या इंफॉर्मेशन को उसके हम हैंडल करते हैं। अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ मेन फ्रेम क्या है कि फर्स्ट वन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब, परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब इन बिग हॉस्पिटल्स। सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग डिफरेंट जॉब इन द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। थर्ड वन इज परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन। फोर्थ वन इज कंप्लीटिंग द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बिग कंपनीज। एडवांटेज ऑफ मेन फ्रेम, एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि वो हमारे कंप्लीट जर्नल ऑब्जेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल ऑब्जेक्टिव, कंप्लीटिंग जर्नल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड वन इज दे हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड वन इज दे स्पीड वेरी फास्ट। एंड फोर्थ वन इज दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन इन ए बिग वे और इन लार्ज क्वांटिटीज। डिसएडवांटेज ऑफ मेन फ्रेम, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका साइज भी क्या होता है, साइज इज लार्ज। सेकेंड वन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर ऑल्सो नॉट पोर्टेबल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड वन इज देयर प्राइस इज वेरी हाई, मतलब ये भी क्या है सुपर कंप्यूटर की तरह, ये भी क्या है कॉस्टली। अगर एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, क्रे टी 90, प्रम, अनुराग, NEC 500, ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगर एग्जाम्पल ऑफ किसकी बात करें, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम तो क्या है, IBM 3090, PDP 370, DEC, वैक्स 8000 एंड सो मैनी। अगर हम मिनी, अब हमारा थर्ड टाइप है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, दैट मिनी कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर हुज स्पीड इज लेस देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर बट मोर देन द माइक्रो कंप्यूटर। कि हमारे पास में जो मिनी कंप्यूटर है वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड की अगर बात करें तो मेन फ्रेम के कंपैरिजन में तो उनकी स्पीड क्या होती है, लेस होती है। बट जो माइक्रो कंप्यूटर है उनके कंपैरिजन में उनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम स्केल कंप्यूटर, मीडियम स्केल कंप्यूटर। अगर फंक्शन ऑफ मिनी कंप्यूटर की बात करें, फंक्शन तो फंक्शन क्या है, दिस कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड सक्सेसफुली इन स्मॉल बिजनेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि हमारे पास में स्मॉल बिजनेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ मिनी कंप्यूटर इज कि एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि दीज कंप्यूटर हैव ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। डिसएडवांटेज,
डिसएडवांटेज क्या हो गई इसकी कि इसकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो हमारी मेन फ्रेम के कंपेरिजन में क्या होती है, लेस लेस स्पीड। अगर एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम इज वैक्स 5000, पीडीपी 11, मैक्सम मैग्नम, माइटी फ्रेम, आईबीएम 2000 एंड मैनी मोर। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ टाइप इज माइक्रो कंप्यूटर। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे क्या दोज कंप्यूटर्स हुज आर स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर वेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन द सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन द सीपीयू। अगर हम उसके माइक्रो पर जो हमारे पास में माइक्रो में हम जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप एंड सेकेंड वन इज पोर्टेबल। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास में डेस्कटॉप तो आपको पता है ये बेसिकली हमारे जो कनेक्टेड रहता है कीबोर्ड से माउस से डेस्कटॉप कंप्यूटर। और जो हमारे पोर्टेबल है उसमें हमारा कौन सा आ जाता है, लैपटॉप, और जो हमारा पीडीपी जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं पीडीपी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये इसमें क्या किस में आते हैं, पोर्टेबल में, पोर्टेबल। अगर हम फंक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसके फंक्शन क्या है, फर्स्ट वन इज कि इट सर्व द नीड ऑफ द स्टूडेंट इन ए हेल्पफुल वे, नीड ऑफ स्टूडेंट इन हेल्पफुल वे। सेकेंड वन इज कि इट हेल्प्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशनल हु फाइंड देम हैंडी। अगर एडवांटेज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज दे आर लेस प्राइस, यानी कि प्राइस उसका क्या होता है, लेस होता है ऑल अदर कंप्यूटर्स की, इसका प्राइस जो होता है वो क्या होता है, लेस लेस प्राइस एज कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर। सेकेंड वन इज दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज एज कंपेयर टू ऑल अदर सुपर माइक्रो नहीं सुपर मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड वन इज कि दे कैन बी ईजिली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स इट इज पोर्टेबल। फोर्थ वन इज कि माइक्रो कंप्यूटर्स इन द कैटेगरी ऑफ लैपटॉप विल बी ईजिली ऑपरेटेड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए जर्नी। फोर्थ वन इज कि आपके पास में, फिफ्थ वन क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के जो पीडीपी है वो हमारे बेसिकली हम किस में, स्क्रीन और दे कैन नॉट हैव ए कीबोर्ड। फिफ्थ सिक्स्थ वन इज ऑल द कैटेगरीज ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर आर विद इन द रीच ऑफ द यूजर्स। डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज की बात करें कि इसकी जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू हमारे जो मिनी है उससे क्या होती है, लेस स्पीड। सेकेंड वन इज कि इसके अब हमारे वन पर्सन कैन यूज दिस कंप्यूटर एट ए टाइम, ओनली वन पर्सन यूज कैन यूज दिस कंप्यूटर एट ए टाइम। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर बीबीसी माइक्रो एंड डॉल्फिन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।